नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। चीन निर्मित दीयों को लोग दे रहे हैं तरजीह, बाजार में दिवाली की रौनक आई, अब ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं दुकानदार। त्योहारों पर मिठाई के साथ साथ जहर निगल रहे हैं लोग। पठानकोट चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने काली दिवाली मनाने का किया ऐलान। अमृतसर खालसा कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने लोगों को प्रदूषित मुक्त दिवाली मनाने का संदेश देने के लिए निकाली चेतना मार्च रैली। अब खबरें विस्तार से। भारत की सांस्कृतिक विरासत में त्योहारों का विशेष महत्व होता है। ये पर्व लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने में सहायक होता है, वही परस्पर प्रेम और सद्भावना से प्रेरक भी है। दीपों का पर्व दीपावली भी उपरोक्त सभी पंक्तियों का संदेश वाहक है, लेकिन इस बार महंगाई और माइनिंग पर हाईकोर्ट की पाबंदी के बाद मिट्टी के दिए भी काफी महंगे हो गए हैं। भाव बढ़ने की वजह से अब लोग चीन निर्मित दिए को ही तरजीह देने लग गए हैं। यही कारण है कि दिवाली के नजदीक आते ही अब बाजारों में रौनक लौट आई है और सजे हुए बाजार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। जी दिवाली आना है, दिवाली लागे आ रही है, दीवा खरीदना है। किन्ने जी? पहले 2-3 रुपए लेके जाइदा सी, हुण महंगाई करके 5 रुपए मिलिया सानू। कुछ भी है, मेहनत मजदूरी इन्हां दी हैगी है, कुछ रेट ही वध्या है, ठीक है। बाकी जो दीवा आपां मेन दिवाली दीवे ना मनाई जाती है, जो बाजारा समान अजकल उन्होंने कुछ नहीं, साढ़े हिसाब ना रेट सही ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं। हाँ ओके जी, पहला जो आप घट रेट से चीज कटते थे उदो सस्ती आती थी, हम दूर करके इन्हें महंगी मिलती भी है, इस करके महंगाई के हिसाब ना चीज भी महंगी देंगे भी है जी। वैसे भी कोलो मिट्टी जी होंगी है इन्होंने वास्ते मिलती नहीं है, जो वधिया मिट्टी है बर्तन बनाते हैं वो दूरों ही मिलती है। हाँ जी, ऐसा मेरा नाम रिंकू जी। पहले कम से कम 350-400 रुपये की ट्राली आती थी, अब कम से कम 1000-1200 रुपये की ट्राली आती है, मतलब कि पहले से दुगना महंगा हो गया है। अब मिट्टी महंगा होने की वजह से हमारा जो आइटम है सब महंगा हो गया है, इसी वजह से लोग चाइना आइटम को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे रहते। लगभग जो 5 रुपये का दिया था वो 10 रुपये का हो गया इस टाइम होल सेल रेट में, तो इसी हिसाब से परचून भी 10 के हिसाब से 20 रुपये का बिकेगा। हाँ, मतलब पहले जो ज़मीन थी जो नज़दीक में थी वहाँ खुदाई होने में आसानी से मिट्टी मिल जाती थी, मिट्टी मिल आसानी से जो चीज़ उत्पन्न मिल जाती है वो थोड़ा सस्ते में मिलता है। अब खुदाई की दूर हो गया है, जो खेत बाड़ी है जहाँ से खुदाई होता है वो ज़मीन बहुत दूर पड़ता है, इसलिए वो मिट्टी महंगा आता है। अगर हाई कोर्ट ऐसे अगर खुदाई नहीं करने देगा तो हम लोग वो मिट्टी नहीं मिलेगा, तो मिट्टी से जो आइटम्स बनती हैं 12 महीने जो चलती है, जो लोग मरने के लिए भी और जन्म के दिन भी जो मिट्टी का बर्तन यूज करते हैं, तो उनको वो चीज़ें उत्पन्न नहीं होंगी। देखिए, या मिट्टी के बिना तो कुम्हार कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर मिट्टी नहीं मिलेगी तो यहाँ जितना भी कुम्हार है वो बिल्कुल अपना काम बंद करके बैठ जाएगा। दिया सबसे छोटा, जो बिल्कुल छोटा दिया चलता है वो पहले 25 पैसे का था, 50 पैसे का परचून में, और बड़ा दिया जो 2.5 रुपये का था वो 5 रुपये का इस टाइम चल रहा है। 5 रुपये का आइटम 10 रुपये का हो गया, यानी कि दुगना हो गया, हर चीज़ का रेट दुगना हो गया। मेरा धर्मवीर जी, पहले सर ये जी मिट्टी सानू आती सी वो कोई लगभग 450-500 ट्राली आती सी, जो सरकार ने मिट्टी चुक पुटन तो मना कर दिता मिट्टी वाले, मिट्टी बहुत महंगी हो चुकी है, हूँ वह ट्राली सानू 1200-1300 की मिलती पी है, कि जिहड़ी मिट्टी सी भांडे यूज करते हैं जां वरतदे आ वह मिट्टी जिहड़ी आम भर्ती वास्ते गई उहदे उही रेट जे वधदी गई थोड़ी बहुत, पर इहदा डबल दुगना तिगना रेट हो चुका है जी। जिहड़े मिट्टी सुटदे आ वह कहिंदे डीजल वध गया, मिट्टी पुट्टन नहीं दिंदे, मिट्टी की पुटाई कहिंदे ने ज़्यादा नहीं करनी, पहले ना मिट्टी सानू महंगी मिलती भी है तो असीं महंगी सुटांगे, हर कोई अपना वेख के फिर ही उस हिसाब न मिट्टी पुट के तो उन्नी ही महंगी समझ आ सुटदा, अगर जे मिट्टी नहीं होगी तो असीं काम कित्थों करांगे, मिट्टी की सानू जरूरत पैनी है। भला ट्राली भला 500 की ही हूँ 1500 की 1200 की, असं तो स्टानी स्टानी है।
एक तो दूर चल गई है उस करके महंगी है। कुछ मतलब पहले होंगे कि नेड़े मिट्टी होंगी सी वह सस्ती पैंती सी, एक तो मिट्टी बहुत दूर चल गई है, एक कीमत वध गई ने। कीमत वधन हर कोई इंसान अपना अपना हर चीज़ का रेट बता, डीजल ला लो चाहे मिट्टी ला लो, हर चीज़ का रेट वधदा वधदा। पहले एसी दीवा जिहड़ा बनाउंदे सीगा उह पैंदा सी सानूं कोई 3 रुपए का पैंदा सीगा, हुण 2-3 रुपए का पैंदा सी। हुण जदों महंगा सब कुछ महंगा होने करके सानूं दीवा 3.5-4 रुपए का पैंदा पिया, 3 रुपए का 4.5-4 रुपए का दीवा असीं दिंदे आ। पर उहदे विच पहले भी पहले चलो खर्चे सही चलते ही, पर लेकिन जिन्ना भी रेट वध गया हर चीज़ का वो तो साढ़े घर के खर्चे पूरे होंगे पे, सारे परिवार के असीं लगे रहिंदे आ मिट्टी दे नाल, मतलब वो कमाई नहीं रहेगी। एक सिर्फ त्यौहार के नाल ही चलते पे हाँ, तो पहले नालों त्यौहार के पहले दीवा जिन्ना लगता ही उन्हें घट लग लग पाया, चाइना का माल आ गया, होर भी इलैक्ट्रॉनिक काफ़ी चीज़ा आ गई ने, उन्हें साडे माल की भी थोड़ी जी डिमांड घट गई है। हाँ जी, जिहड़ी मिट्टी रोग लगी वो दूर करनी चाहिए है, तो कुछ मतलब है सहूलत सानू मिले, हर चीज़ का रेट वाधा उस चीज़ ना मिट्टी का भी जिदा कोई साडा बेनीफिट सोचे सरकार सोचे। भारत में हॉकी का महाकुंभ कहे जाने वाला सुरजीत सिंह हॉकी टूर्नामेंट जलंधर में 29 अक्टूबर से शुरू होगा जो 9 नवंबर को समाप्त होगा। इस टूर्नामेंट में देश भर से और पाकिस्तान से कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। इस बात का खुलासा जलंधर में एक प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। 31वां सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट इस बार 29 अक्टूबर तो लेके और 9 नवंबर तक होना है, और इस विच साढ़े मेन टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल है, और इंडियन ऑयल का टाइटल लेके इस प्रोग्राम टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इधर विच बाकी को स्पॉन्सर्स पंजाब एंड सिंध बैंक है, सिटी ग्रुप है, पुखराज एलोवेरा है, टूट ब्रदर्स है, तो इस विच टोटल 20 टीम्स जिहड़ी हैगी वो पुरुषों की खेलनगियाँ, उसके अलावा 4 टीम्स जिहड़ी हैं वो महिलावां की खेलनगियाँ। इन्हां दे टीम्स दे जिहड़े हैगे उहदे विच पाकिस्तान दे भी टीम्स जिहड़ी हैगी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जिहड़े फाइनल मैचेस हैगे वो सैमीफाइनल्स एंड फाइनल्स जिहड़े हैगे 7, 8 और 9 तारीख को खेले जाणगे। लाइव हुए फाइनल मैचेस एंड सेमीफाइनल मैचेस पीटीसी ते भी आएंगे, उसके अलावा रेडियो दे उत्ते भी जड़ी हैगी कमेंट्री आएगी। तो इस तरीके नाल लगभग ये जिन्हें इंजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, टीम्स ने अपनी पार्टिसिपेशन कन्फर्म करती हैगी, स्पॉन्सर्स ने जड़ी हैगी वो अपनी पार्टिसिपेशन जड़ी हैगी कन्फर्म करती है, और असी पूरी तरीके नाल इस टूर्नामेंट को कराने के लिए तैयार है। और मैं आस है कि जलंधर के लोग और पूरे पंजाब के लोग और पूरे भारत के लोग और ईवन बाहर तो भी जड़े लोग हैं वो इस टूर्नामेंट का हर साल बहुत बेशबरी नाल इंतजार करते हैं, तो उन्होंने बहुत चंगी हॉकी खेलने या देखने जड़ा है मिलेगी इतने, और ये टूर्नामेंट हर साल की तरह एक सफल जड़ा है। मेन्स टीम की जी विनर टीम है उन्होंने 5 लाख और रनर अप का 2.5 लाख रखा है, तो जी वूमन टीम हैगी जी विनर टीम है वह 1 लाख रुपए और जो रनर अप है उन्होंने 50,000। देखो कोई भी खेड हैगा या खेड का मैदान हैगा वो बहुत पवित्र जगह है जिहड़ा साडा मानना है, और उहदी पूरी मर्यादा पूरा अनुशासन जिहड़ा हैगा बना के रखा जाएगा, और किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ जिहड़ी हैगी वो अवॉइड की जाएगी। सर आज की जो ये आज की मीटिंग जो है ये तो मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है 31st ये सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट की, और इंडियन ऑयल की तरफ से हम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं सब गेम में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम जो बिजनेस में कंपटीशन को फेस करते हैं वो गेम के साथ सिमिलरिटीज काफ़ी है। जैसे गेम में एक टीम होते हैं, हॉकी में ही एक 11 प्लेयर्स की टीम होते हैं, उनकी कैप्टन होते हैं, कैप्टन की बात सारी टीम सुनते हैं,
यूनिटी टीम में जितने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, वो उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो क्या है कि हर एक क्वालिटी जो प्लेयर की होते हैं एज ए इंडिविजुअल और एज ए टीम वर्किंग, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, तो वो सारे गेम में दिखाई देता है। तो हम इसलिए गेम्स को काफ़ी महत्व देते हैं और हम जब भी अपॉर्चुनिटी आते हैं तो हम इस टाइप के गेम्स को स्पॉन्सर करते हैं। दिवाली को शेष दो दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह पटाखा मार्केट सोनी पड़ी हुई है। ये दृश्य लुधियाना के पखवा रोड चुंगी की पटाखा मार्केट का है, जहां इन विक्रेताओं के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है। इस बारे में जब इनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक तो महंगाई की मार और दूसरा अब लोगों में पटाखे चलाने का क्रेज भी कम होता जा रहा है और उन्हें लग रहा है कि इस बार उनकी लागत भी पूरी नहीं होगी और ना ही प्रशासन की ओर से जहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है। किस तरह की मार्केट चल रही है इस समय? मार्केट तो बहुत ठंडी है रही। दो दिन रह गए सानू भी, लास्ट वाले दो दिन तो आ सा भी देखो की बनता, पता नहीं की गल है ऐतकी मंदे करके दिवाली से बहुत असर है, बहुत ज़्यादा मतलब कि डाउन जा रही है पिछली बार ना। पटाखा का मार्केट लुधियाना मार्केट घट्टो घट के ना जान साहब 20 करोड़ के करीब है ना। बाकी माल भी महंगा ही, बाकी ऐसा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का काम जमा ही ठप है सारे कामां ते। हां जी असीं फेरवेट नाल गल करदे आ, बाकी जे कोई इदा ही लोड पवे वो गड्डी पहुंचा देंगे। बाकी साढ़े को इंतजाम पूरे, अपने सिलेंडर सिलूंडर बाकी जो रेता वगैरह सारा साढ़े को रखा हुआ है। आज अमृतसर के खालसा कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने हाथों में बैनर पकड़कर लोगों का प्रदूषित रहित दिवाली मनाने का संदेश दिया। इस रैली में बताया गया है कि क्रैकर्स जो है वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसमें जो वो एयर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, तो हमें से नो टू क्रैकर्स। हमें रंगोली के साथ दिवाली मनानी चाहिए और से नो टू क्रैकर्स, विदाउट क्रैकर्स हमें दिवाली मनानी चाहिए। सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइटिंग दियास बिकॉज आई डोंट लाइक क्रैकर्स एंड एज आई हैव प्रॉब्लम इन माई लंग्स, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन दिवाली एंड आई कुड नॉट इवन गो आउट फ्रॉम माई रूम बिकॉज द स्मोक कम्स एंड माई नेम इज पूनम धालीवाल एंड आई एम फ्रॉम खालसा कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। दिस वॉज अ रैली ऑर्गनाइज बाय आवर स्कूल टू मेक पीपल अवेयर टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली, दैट इज to say no to crackers and say yes to cleanliness. We are also organizing this rally to participate and join hands with the rest of India to participate in the Swachh Bharat Abhiyan which is started by our honorable prime minister Shri Narendra Modi. पंजाब में सरकारी खरीद एजेंसी पंसर की तहत से इस बार धान की खरीद का टीचा 32 लाख मीट्रिक टन है और हर बार की तरह पंजाब अपने टीचे से ऊपर ही खरीद करेगी और पंजाब सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों पर इस बार कई नीतियों में बदलाव किया गया है, जिसे पंजाब के किसानों को जो पिछले समय से परेशानी होती थी वह दूर हुई है। ये विचार पंजाब विभाग के चेयरमैन अजय पाल सिंह ने जिला गुरदासपुर में अलग अलग मंडियों का दौरा करने पर किए। पंजाब पंजाब स्टेट फूड सिविल कारपोरेशन आज मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के अपने स्टाफ ना मंडियां जो साड़ी प्रोक्योरमेंट हो रही है उस संबंध में मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से अज आया और पंसप ने पंजाब विच हुण तक 680,000 मीटर टन खरीद की है और जी लिफ्टिंग जी है 347,000 मीट्रिक टन चल रही है और मैं इस गल ते ऐतकी सीजन दे विच मैं ये पंजाब दी संगत नूं दसना चाहुंना कि सर आदेश प्रताप सिंह कह रहा हूँ फूड सप्लाई मंत्री पंजाब ने सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब दे
ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮਿਲਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕੋਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇ ਚੜੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਨਸਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ 20% ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀ ਨੋਕ ਪਰ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁਟੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵਹਿ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਵਹਿ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਪਰ ਸੇ HDFC ਬੈਂਕ ਸੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਕਰ ਬੌੜੀ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਤੋ I-20 ਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਮੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਉਸਸੇ ਪੈਸੋਂ ਕਾ ਬੈਗ ਛੀਨ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ SSP GS ਮੰਡ DSP ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਅਨਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਓ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ DSP ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਜਰਿਮੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਬੈਗ ਖੋਇਆ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਢੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖੋਂਦੇ ਪਏ, ਪੈਸੇ ਖੋਂਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਸ 7,57,000 ਰੁਪਇਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ 7,50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੈਸ਼ ਕਢਾਉਣਾ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੀ PCR ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਪ ਜਦੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਰ ਆਜਕਲ ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਕੇ ਕੇ ਵਰਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਮੇ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਬੜਾਨੇ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਬ ਸਿੱਕੇ ਕੇ ਵਰਕ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਕੀ ਕਿਡਨੀ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। चांदी के वर्क के कारण मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगती है, कोई शक नहीं है, बिकती भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को देखने में बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं इस चांदी के वर्क के कारण। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ये चांदी का वर्क एक हैवी मेटल है, चाहे ये सिल्वर है चाहे ये सिल्वर नहीं है, आजकल सिल्वर बहुत महंगा है, इसके कारण सिल्वर के बजाय कुछ और मेटल्स प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे इसके एल्युमिनियम आता है उसको अच्छी तरह से पीस के और उसका ये वर्क बनाते हैं, उससे हैवी मेटल पॉइजनिंग होने का खतरा है। सिंस आई एम डूइंग पॉइजनिंग मैनेजमेंट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आई कैन टेल यू कि ये पॉइजनिंग किडनी
के पे बहुत बुरा असर करता है। हम ये एक नेफ्रोलॉजी विंग रन कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में ये किडनी के केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि ये एक वजह इसकी ये भी रही हो। देखो, ये जो वर्क जिसे हम कहते हैं, अगर ये ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, बिकॉज देखने में जब मिठाई बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो मिठाई किसी भी क्वालिटी की हो, ले वर्क की क्वांटिटी बॉडी में जानी शुरू हो जाती है। जब ये क्वांटिटी एक मात्रा से कम होती है तो ये बॉडी में कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये उस मात्रा से अगर इंक्रीज हो जाए उसकी क्वांटिटी, तो ये बॉडी में किडनी रिलेटेड डिसीजेस और समटाइम्स ऐसी बीमारियां जिसके बारे में अभी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि कैंसर इतना बढ़ रहा है, हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि कैंसर के रोगों का पता नहीं लग सका, लेकिन इसकी वृद्धि कई परसेंट इंक्रीज हो गई है। तो इस हो सकता है कि ये एक कारण ये भी रहा हो। जब ये बॉडी के अंदर जाता है, गलता नहीं है, बहुत देर लगाता है इसको डाइजेस्ट करने में, बिकॉज हमारे बॉडी का जो सिस्टम बना हुआ है, जूसेस बने हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बने हुए हैं, वो इस तरह के मेटल को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बने हुए, तो ये बॉडी में गलता नहीं है, तो इसके कारण मुश्किलें ज़्यादा आने का, और ये अवॉइडेबल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर इसका नुकसान कितना है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन दिस इज़ अवॉइडेबल थिंग दैट वी कैन अवॉइड, हम इससे बच सकते हैं। इसको लगाने का फ़ायदा तो बिल्कुल ही कोई नहीं है, अगर कोई नुकसान है या देखो, हैवी मेटल पॉइजनिंग से हमारा हर तरह का सिस्टम, जिसे GI सिस्टम कहते हैं, लिवर कहते हैं, किडनी कहते हैं, हर तरह का सिस्टम, इवन नर्वस सिस्टम भी, सभी के सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितनी मात्रा में ये ले रहे हो। अगर बर्फ़ी का एक पीस वर्क लगा के पूरे दिन में या दो दिन में एक बार लेना है एक पीस, तो हो सकता है कि इससे कोई बीमारी ना हो, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते किसी बच्चे को या बूढ़े को या किसी को भी कि कितना खाना है कितना नहीं खाना, अगर ज्यादा मात्रा में जाएगा तो नुकसान करेगा। आज अमृतसर में पठानकोट चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों और उनके परिजनों ने यह बताया कि अगर हमारे बच्चों को किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट न किया गया तो हम और हमारे बच्चे दिवाली वाले दिन काली दिवाली मनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालेंगे। हमारी शिफ्टिंग जो तीन हमें जो करना चाहिए था 3 साल पहले जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो अब कर रहे हैं। हमने उन्होंने सारी, जब हम वेरका साहब के पास गए थे, उन्होंने सारी कमीशन बिठाई, मीटिंग बिठाई, सबको उन्होंने, सारे ऑफिशियल्स को कंसिडर किया और सबने ये बोला है कि वो हमारा काम अब कर देंगे, और हमें उन्होंने एक हफ्ते तक वेट करने के लिए बोला है, और उनका यही सबका बोलना है, उनका यही कहना है कि हमारा काम अंडर प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्द वो हमें एक अच्छा आंसर देंगे और हमारा काम हो जाएगा दिवाली तक हमारा। और जब तक हमारा काम नहीं होता, हम ऐसे पीसफुली, जैसे कि हमें सरकार ने हमें अश्योरेंस दिया, उन्होंने दावा किया है कि वो हमारा काम ज़रूर करवा के देंगे, तो हम इसके लिए थैंकफुल भी हैं और हम ऐसे ही पीसफुली बैठे हुए हैं और हम तब तक बैठेंगे जब तक वो हमारा काम कर देंगे। और दिवाली आई है, हमारे लिए तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हम ऐसे निराश बैठे हैं, यहाँ पे बैठे रहेंगे, तब भी जब हमारा काम हो जाएगा तो हम वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे जैसे वो हमारा काम कर देंगे। सर, अगर हमारा काम नहीं होता तो हम दिवाली क्यों मनाएंगे, हमारी तो कोई दिवाली रही नहीं, यहीं पे बैठे रहेंगे सर, काली दिवाली होगी वो तो हमारे लिए। काली दिवाली मनाई जाऊगी इत्थे, तो इत्थे ही बैठे रहेंगे असि, जिस हिसाब से भुख हड़ताल चल रही है, 4 अंगर स्ट्राइक साड़ी जारी रहेगी, भुख हड़ताल 10 दिन हो गए लगातार भुख हड़ताल चल रही है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 2011 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
बचपन में दिया गया ज्ञान उम्र भर साथ निभाता है। इसी तथ्य पर चलते हुए सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मकसूदा कैंपस ने अपने विद्यार्थियों को इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके तहत स्कूल ने विद्यार्थियों सहित शहर वासियों को भी जागृत करने के लिए इको फ्रेंडली रैली का आयोजन किया। इस रैली का आयोजन जलंधर ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से किया गया, जिसमें 250 के करीब विद्यार्थी बीएसएफ चौक से कंपनी बाग चौक तक निकाली गई रैली में शामिल हुए। इन विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर पकड़कर लोगों को प्रदूषित मुक्त दिवाली बनाने के लिए संदेश दिया। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर एसी रल के एक प्लान किया सीगा भी इस दिवाली के उत्ते एक तो असी सेफ दिवाली का मैसेज दे रहे हैं, एक क्लीन दिवाली। ये दोनों जोड़े मैसेज ने बहुत जरूरी ने साडे एनवायरमेंट वास्ते, साडी अपनी सेफ्टी वास्ते, और इस दे नाल असी ट्रैफिक के जोड़े आ रिफ्लैक्टर जहाँ जो मौसम सर्दियों के धुंध ज़्यादा पैंती है, जिन्हें भी साढ़े व्हीकल्स ने इतने ऑटो ने ट्रालियां ने उन्होंने असी रिफ्लैक्टर ला रहे हैं ता कि जी सेफ्टी जी रोड के उपर भी सेफ्टी रहे। इस तो अलावा एक मैसेज है सारियां नूं जड़ा सेंटर गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिता है, एक मुहिम छेड़ी है सफाई मुहिम, और ये तिने चारे जे मैसेज ने अज असी सिटी ग्रुप नाल मिल के ट्रैफिक पुलिस के सिटी ग्रुप ये मिल के असी जिहड़ा अभियान चलाया आ, और इस दे विच बच्चों ने काफ़ी वध चढ़ के हिस्सा लिया, वक् वक् तरह के स्लोगन ने, और इस तरह असी जी मार्च जी अगे तक करते हैं। सर अज असं एक मैसेज देना चाहते हैं जी जलंधर वासियों, शहर वासियों, साडे देश वासियों कि पोल्यूशन पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन करके होर भी बहुत दिक्कत आ रही हैं, तो दिवाली वाले दिन ने उसके आले दुआले साल अनोखा हो जाता है, तो असी अगे विश करते हाँ साडे फ्यूचर वास्ते, साडे बच्चों वास्ते, आने वास्ती पीढ़ी वास्ते कि असी क्रैकर्स नो अवॉइड करके ग्रीन दिवाली करिए। असी अब जलंधर ट्रैफिक पुलिस के नाल मिलकर एक मुहिम भी चलाई है कि दिवाली वाले टाइम से जो हादसे होंगे उन्होंने भी अवॉइड करने के ध्यान गड्डी चलाइए। असी हुण अगे रिफ्लैक्टर्स भी ला रहे हैं जी जी रात में कोई एक्सीडेंट तो बचाने, क्योंकि अगे फॉग वाला मौसम आ रहा है, तो असी बस यही चाहते हैं जी कि दिवाली खुशी का त्यौहार है, सारी फैमिलीज मिलकर मनान, तो अच्छी दिवाली होवे, तो डेकोरेट जरूर करन लाइट्स के नाल, बट पोल्यूशन जरा पटाखों नाल आता है उन्होंने। देश की आज़ादी के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसे पुलिसकर्मी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आंतरिक सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही 21 अक्टूबर को हर साल देश के सभी राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बल 21 अक्टूबर शहीद दिवस के रूप में मनाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तहत दिवस को सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर के जलंधर के मुख्यालय में बीएसएफ के आईजी अशोक कुमार के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के सभी जवानों और अधिकारियों ने इस वर्ष शहीद हुए अपने 42 शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट मौन व्रत भी रखा। बीएसएफ बॉर्डर पे हमेशा से सतर्क है और आज भी सतर्क है, पहले भी सतर्क था और हमेशा भी हमने अपनी वैसे ही जो हालात चल रहे हैं उसके मद्देनज़र भी हमने अपनी सतर्कता और एक्स्ट्रा बढ़ाई हुई है। रही आपकी अमृतसर शहर की बात, तो वो आप सभी समझते हैं मुख्यतः वो स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है, हम लोग को तो अगर डिप्लॉय किया जाता है तब हमारी बात आती, पर हम सीमाओं पर हम पूरी तरह से चल रहे हैं। अब वो डिटेल्स तो हम आपको क्या बता सकते हैं, पर हम यही कह सकते हैं हम पूरी तरह से तैयार हैं ऐसी किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई देर करेगा। बीएसएफ के इस वर्ष कुल 42 शहीद हुए और ये दिवस आप समझते हैं कि आज से 55 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 के लद्दाख में जो 10 जवान शहीद हुए थे उसकी स्मृति में मनाया जाता है, और पूरे देश की समस्त स्टेट पुलिस और समस्त पैरामिलिट्री फोर्सेस 21 अक्टूबर को ही अपना शहीद दिवस मनाती हैं, और एक वर्ष के दौरान जितने लोग दिवंगत हुए उन सभी अपने साथियों को याद करते हैं। आज मैंने कहा ना, हम पूरे सभी स्टेट की जितनी पुलिस के जवान हैं और जितने पैरामिलिट्री के सबको हमने आज याद किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए,
और अपने बीएसएफ वालों को भी हमने आज अपनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो गए। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज मंगलवार को उन्हें नेता चुना गया। इस बैठक में पार्टी आला कमान की ओर से पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। खट्टर पंजाबी मूल के गैर जाट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने दिवाली पर आतंकवादी हमले की आशंका जताई है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही मुंबई और दिल्ली समेत देश के 10 शहरों को अलर्ट किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि खतरे से इनकार नहीं कर सकते। 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को आखिरी मेट्रो ट्रेन शाम 8 बजे अपने पहले स्टेशन से निकलेगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की भी यही टाइमिंग रहेगी, यानी कि दिलशाद गार्डन, रिठाला, जहांगीरपुर, हुड्डा सिटी सेंटर, नोएडा सिटी सेंटर, द्वारका सेक्टर 21, वैशाली, कीर्ति नगर, इंदरलॉक, मुंडका सेंटर, मंडी हाउस और नई दिल्ली स्टेशन से आखिरी ट्रेन 8 बजे रवाना होगी। टाइमिंग का ये बदलाव सिर्फ शाम के लिए है। सुबह मेट्रो ट्रेन सर्विस 6 बजे ही शुरू होगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी सुबह 4:45 पर ही शुरू हो जाएगी। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चीन निर्मित दीयों को लोग दे रहे हैं तरजीह, बाजार में दिवाली की रौनक आई, अब ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं दुकानदार। त्योहारों पर मिठाई के साथ साथ जहर निगल रहे हैं लोग। पठानकोट चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने काली दिवाली मनाने का किया ऐलान। अमृतसर खालसा कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने लोगों को प्रदूषित मुक्त दिवाली मनाने का संदेश देने के लिए निकाली चेतना मार्च रैली। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ आतरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।